स्वागत है आप लोगों का भूगोल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 19 में। आज का हमारा प्रश्न है, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करें। देखते हैं हम लोग कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत को प्राकृतिक और मानवीय श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ये स्रोत वायुमंडल में हानिकारक गैसों, कणों और अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत का, पहले अगर बात करें प्राकृतिक स्रोत का, ज्वालामुखीय विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, राख, धूल और अन्य गैस वायुमंडल में क्या है, उत्सर्जित होती है, जिसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण होता है। दूसरा हमारा है प्राकृतिक स्रोत वनाग्नि। जंगलों में आग लगने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कणीय पदार्थ उत्पन्न होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तीसरा हमारा है धूल भरी क्या है, आंधियाँ। रेगिस्तानी क्षेत्र से आने वाली धूल भरी आंधियाँ वायुमंडल में घुलकर कणीय पदार्थ फैलाती है, जिसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण होता है। दूसरा वायु प्रदूषण का जो स्रोत मानव जनित स्रोत है, उसका पहला पॉइंट है औद्योगिक उत्सर्जन। फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक वायु को प्रदूषित क्या है, करते हैं। दूसरा हमारा मानवीय जनित स्रोत है वाहन का उत्सर्जन। पेट्रोल और डीजल चलित वाहन से निकलने वाले धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणीय पदार्थ होते हैं, जो वायु प्रदूषण का एक मुख्य है स्रोत है। अगला हमारा क्या है, कचरे का जलाना। ठोस कचरे को जलाने से धुआं में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन और कणीय पदार्थ क्या है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण। अगला हमारा क्या है, घरेलू ईंधन का जलना। खाना पकाने और घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी, कोयला, अन्य ठोस ईंधन को जलाना भी वायु प्रदूषण का क्या है, कारण बनता है। अगला हमारा क्या है, ऊर्जा का उत्पादन। कोयला, तेल, गैस से चलने वाली बिजली संयंत्रों से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस उत्सर्जित होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। हमारा अगला पॉइंट, कृषि गतिविधियाँ। कृषि में इस्तेमाल होने वाले रसायन जैसे कीटनाशक, उर्वरक बाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने से भी वायु प्रदूषण क्या है, होता है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो वायु प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि मानव गतिविधि से उत्पन्न प्रदूषण के कारण वायु की गुणवत्ता पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे नियंत्रित करने के लिए उद्योग, वाहनों और घरेलू ईंधनों के उपयोग में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने की क्या है, आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद।